हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने सीरीज के बाकी के पार्ट नहीं देखे तो मैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कौन बैठा होता है, वैम्पायर होता है, उसके पास पेमेन आता है, उसे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, किसी चीज को लेकर तुम वरीड हो क्या? तो कौन कहता है नहीं मैं वरीड नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ अभी। और उसे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम फ्री हो क्या? तो आगे से कहता है मैं तुम्हारे लिए किसी वक्त भी फ्री हो सकता हूँ और अभी भी तुम्हारे लिए फ्री हूँ। जिस पे कौन कहता है तुम ऐसा ड्रिंक करना पसंद करोगे, कौन सी ड्रिंक लेना पसंद करोगे? तो विन कहता है मैं कोई भी ड्रिंक पी लेता हूँ, तुम मुझे कोई भी दे दो। और फिर उससे पूछता है सच में तुम ठीक हो ना, क्योंकि तुम बहुत ही वियर्ड रिएक्ट कर रहे हो। जिस पे वो उसे ड्रिंक देता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, और कहता है तुम्हें ये चाहिए? और वो पकड़ते हुए कहता है हाँ मुझे यही चाहिए, उसकी तरफ देख रहा होता है। वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं जहाँ पे पिमिन कहता है तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? मुझे तो बहुत ही गर्मी लग रही है यहाँ पे। वो ड्रिंक करते हैं जहाँ पे पिमिन कौन के करीब आता है और कौन उसकी तरफ हैरान होकर देख रहा होता है। प्रवीण उसे किस करता है और फिर पीछे हट जाता है। कौन को अपने फ्रेंड की बात याद आती है जो उसने कहा था कि जिंदगी छोटी सी है, जो तुम करना चाहते हो अभी कर लो, नहीं तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो कौन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और काफ़ी बोल बोल सीन दिखाते हैं उनके। और जहाँ पे वो दोनों आप लोग समझ ही गए होंगे, जिसे सूजी देख लेती है सीसीटीवी कैमरा में और काफी गुस्सा होकर खड़ी होती है। कौन सोया पर होता है और पिविन जानबूझ के उसे टच कर रहा था, जगाने की कोशिश कर रहा है। जब वो जाग जाता है तो उसे पूछता है तुम जाग गया? तो कौन कहता है हाँ, पर वो उसे टच करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम प्रॉपरली तौर पर जागे हो। वो फिर से किस करने लग जाते हैं। उसके बाद हमें एक गन दिखाते हैं जो कि ट्विटर पे पिक्चर जू की पिक देख रहा होता है, काफी सीरियस होकर बैठा होता है। तभी तसे ती आता है और कहता है तुम क्या देख रहे हो, और उसे कॉफी देता है और वो कहता है कुछ भी नहीं। उसके बाद हमें विया दिखाते हैं जिसे याद आ रहा होता है, जो कि ऑडिशन देने गया होता है, अपना हेयर स्टाइल भी उसने चेंज किया होता है। और आगे से जिन्होंने ऑडिशन लिया होता है उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हारी एक्टिंग तो अच्छी है लेकिन हमारे पास और सीट्स नहीं है, इसलिए हम तुम्हें नहीं रख सकते और उसे एक्सेप्ट नहीं करते। और उसके बाद हमें वीडियो दिखाते हैं जो कि इसके पास आके खड़ा होता है, उसे याद आता है जहाँ पे वो सूजी के पास गया होता है और कहता है कि मैं आपसे विया के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं विया को और पढ़ाऊँ और इसके बारे में सिखाऊँ। जिसपे सूजी कहती है विया को मैं पहले ही इतना चांस दे चुकी हूँ और कहती है कि अब मैं उसे यहाँ पे नहीं रख सकती क्योंकि वो मुझे पैसे कमा के नहीं दे रहा। जिसपे वीयू कहता है आपने देखा ना वो अपने काम को लेकर कितना सीरियस है और बहुत मेहनत कर रहा है, आज तो उसे कॉम्प्लीमेंट भी मिला था कास्टिंग टीम की तरफ से। और कहता है आज विया के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था और कहता है कि प्लीज एक और चांस दीजिए। और उसके आगे सर झुकाते हुए कहता है प्लीज एक और चांस दे दीजिए। सूजी सीरियस होते हुए कहती है कॉम्प्लीमेंट किसी काम के नहीं होते और रिजल्ट मेरे लिए वही है जब वो पैसे कमा के आके मुझे देगा। और कहती है मुझे एक चीज तुमसे जाननी है कि तुम उसके लिए इतना क्यों कह रही हो, सेकंड चांस उसके लिए क्यों मांग रहे हो? और कहती है मैं तुम्हें सेकंड चांस नहीं दे सकती, बस यही मैं कहना चाहती थी और इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती। और कहती है तुम जा सकते हो यहाँ से। और वीयू को ये बातें याद आ रही होती है और उससे पूछता है तुम अब कैसा फील कर रहे हो, जिसपे वीया कोई जवाब नहीं देता। उसे कहता है मुझे लगता है हमें बाय वॉक करने जाना चाहिए, तुम्हारा मूड ठीक होगा। पर वीया कहता है मैं नहीं जाना चाहता। वीया कहता है प्लीज मेरे साथ आ जाओ ना, एक लास्ट बार आ जाओ मेरे साथ, और हाथ बढ़ाता है। उसके बाद हम एक और नार पिविन फिर से दिखाते हैं जहाँ पे पिविन पूछता है कौन से तुम इसी कलर के कपड़े क्यों पहनते रहते हो, जिसपे कौन कहता है कि मेरे पास इसी कलर के कपड़े हैं। और पिविन कहता है तो तुम किसी दिन मेरे साथ चलोगे शॉपिंग करने के लिए कपड़ों की? और वो ऐसे हाथ बढ़ा के खड़ा होता है जहाँ पे वे यह स्माइल करते हुए इसका हाथ पकड़ लेता है। और हमें फिर से कौन दिखाते हैं जो कि कहता है क्यों ना आज चलें, जिसे सुन के प्रवीण स्माइल करता है और वो दोनों हाथ पकड़ के खड़े होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। फिर हमें पार्टी की सीन दिखाते हैं जहाँ पे वीयू विया को लेके जाता है और कहता है मेरी फ्रेंड के पास चलते हैं, जो कि एक डीजे होती है जिसका नाम नित होता है। नित कहती है मैंने सोचा भी नहीं था तुम यहाँ पे आओगे। वीयू कहता है कि तुम्हारा इतना इंटरेस्टिंग इवेंट हो मैं ना आऊँ? और वो विया की तरह देखते हुए कहती है ये कौन है? तो वो बताता है कि ये वी है मेरा फ्रेंड। उसे हेलो बोलता है ग्रीट करते हुए, तो वो कहती है मुझे ग्रीट मत करो मैं तुम्हारी एज की हूँ, और उसे सॉरी बोलता है।
उसके बाद भैया कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ से भी चलता हूँ। उसे लेके जा रहा होता है जहाँ पे वो एक डिश देखता है भैया और ट्राई करने को कहता है। जहाँ पे वो ट्राई करता है और काफी डिलीशियस उसे लगती है। भैया उसे ड्रिंक करने को देता है जहाँ पे वो ड्रिंक करता है। उसके बाद हमें भैया दिखाते हैं जो कि किसी के साथ कॉम्पिटिशन कर रहा होता है और फर्स्ट टाइम वो हार जाता है तो उसे शर्ट उतारनी पड़ती है। सेकेंड टाइम भी वो हार जाता है तो उसे पैंट उतारने को कहते हैं। जब वो पैंट उठाता है तो सब उसका मजाक बनाते हैं और यहाँ पे मुझे भी इसके लिए काफी एम्बेरसिंग लग रहा है पर उसे तो नहीं लग रहा। जहाँ पे वीओ आता है और कहता है बस बहुत हो गया। वीआ कहता है मैं ड्रंक नहीं हूँ मुझे और खेलनी है ये गेम। पर वीओ उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है जहाँ पे वो गिर जाता है। वीओ उसे लेके जा रहा होता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना और उसे बिठाता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। वो वहां से जाने लगता है पर वीआ उसे रोक लेता है और कहता है मेरे पास ही बैठो। उसे बिठा लेता है। उसके बाद वो उसका नाम लेता है तो वीओ कहता है हाँ क्या बात है। वीआ कहता है तुम्हें पता है क्या मुझे अभी बहुत ही टायर्ड फील हो रहा है पता नहीं क्यों। और फिर उसे कहता है अभी मैं बहुत ही डिप्रेस और सैड फील कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर बहुत ही कुछ ज़्यादा बर्डन है और अगर तुम न होते तुम मुझे गाइड न करते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता और अभी भी मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारी गाइडेंस के बगैर। और कहता है मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। इस पर वही कहता है मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे एक्टर हो और तुम बहुत ही डिटरमाइंड हो तुम्हें अपने बारे में इस तरह से नहीं कहना चाहिए तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो अपने गोल को लेकर काफ़ी सीरियस हो। माना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम जैसे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाती हैं पर मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें इस तरह से सिखाया। जिस पे वीआ उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे गाइड न करते तो शायद मैं एक कंट्री बमकिन की तरह ही रहता और मेरे बारे में कोई भी केयर नहीं करता मुझे कोई भी नोटिस नहीं करता और मैं ये घर छोड़ के नहीं जाना चाहता मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ और मैं अपनी फैमिली को बताना चाहता हूँ कि मैं कितना कैपेबल हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ। उसे कि सॉरी बोलता है कि तुम मेरी इतनी बातें सुननी पड़ रही हैं। और फिर वो कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझ पा रहे होगे। जिस पे वीओ कहता है हाँ मुझे समझ आ रही है तुम क्या कह रहे हो क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा पहले हो चुका है। जिस पे वीआ रोने लग जाता है और वीओ कहता है तुमने बहुत अच्छी जॉब की तुम्हें इस तरह से नहीं रोना चाहिए तुमने बहुत अच्छा काम किया आज। जिस पे वो उसे थैंक यू बोलता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। और वो वापस आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पे होस्ट उनका वेलकम करती है और कहती है मिस सूजी ने तुम्हें बुलाया है तुम दोनों को और उन्हें लेके जाती है। जहाँ पे उसे किसी की कॉल आती है तो वो वहाँ से चली जाती है और सूजी उन दोनों को देखती है जो कि काफ़ी क्लूलेसली उसके सामने खड़े होते हैं। उनको कहती है तुम लोगों को पता भी है तुम दोनों ने क्या किया है। जिसमें वीआ कहता है कि हम लोगों ने क्या किया है। उसे टैग देती है जिसमें वीआ की वीडियो होती है और उसने शर्ट उतारी होती है। उसे कहती है तुम मुझे चैलेंज करना चाहते थे हाँ अब तैयार हो जाओ इसके रिजल्ट के लिए। और हमें फिर से पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पे मिंद्रा बैठी होती है और उसकी मेकअप आर्टिस्ट कहती है मुझे लगता है कौन तुम्हें पसंद करता है नहीं तो वो तुम्हें अपनी जैकेट क्यों देता कितना स्वीट है ना ये। पर मिंद्रा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है तुम गलत सोच रही हो। वो आगे से कहती है मुझे लगता है कौन तुम्हें इंटरेस्टेड है नहीं तो वो ऐसी हरकतें करता और वो काफ़ी अडोरेबल भी है और तुम्हें उसकी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिसमें वो कहती है मैं क्या एक्सेप्ट करूं वो मेरे लिए ऐसा फील नहीं करता। ऊपर से कॉल आ जाता है जो कि मिंद्रा की तरफ ही देखे जा रहा होता है और उसे उसकी मेकअप आर्टिस्ट कहती है कि वो इस तरह से एक्ट कर रहा है जैसे वो बहुत ही शाय हो मुझे लगता है उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है कौन उसे की तरफ देखे जा रहा होता है। और मिंद्रा अपनी मेकअप आर्टिस्ट की बातें सुन के स्माइल कर रही होती है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।